आदाब, मैं हूँ इस्मत फातिमा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 37 जवानों को बहादुरी अवार्ड से नवाजा। मरकजी वजारत तालीम ने लॉन्च किया गजायत भी तालीम भी प्रोग्राम। और BHU के साइंसदानों ने चावल की नई किस्म तैयार की। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान मुसल्लह अफवाज, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस और रियासत व मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अहलकारों को 8 कीर्ति चक्र बशमूल 5 बादस मर्ग और 29 शौर्य चक्र बशमूल 5 बादस मर्ग से नवाजा। बहादुरी, बेमिसाल जुरत और फ़र्ज के तईं इंतहाई लगन का मुजाहरा करने वाले जवानों को बहादुरी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और इतलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक कौमी तकरीब का अहतमाम किया, जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के दूसरे मरहले का एक अहम जुज़ है। मुल्क भर में तकरीबन 14 लाख आंगनवाड़ी मराकज 6 साल से कम उम्र के तकरीबन 8 करोड़ बच्चों को इजाफी गजाइत और तालीम फराहम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की सदारत ख़वातीन और बच्चों की तरक्की और अक़लियती उमूर की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने की। स्कीम के तहत गजाइत भी तालीम भी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, ताकि हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े और आला मियार के इब्तदाई स्कूली सिस्टम को यकीनी बनाया जा सके। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से मंत्रालय को मिलता रहेगा, ताकि मैं और राज्य मंत्री महेंद्र भाई इस बात का गौरव कर पाएं कि जो आज तक संभव नहीं हो पाया देश में, वो आप सबकी टीम ने, आप सबके योगदान ने असंभव को संभव कर दिखाया। और इतने सारे बच्चों को अपने ममता की मर्यादा में रखना, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज़रई साइंसदानों ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के साथ मिलकर चावल की एक नई किस्म तैयार की है। चावल की नई तैयारशुदा किस्म को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने मंजूरी दी है। चावल की नई किस्म को मालविया मनीला सिंचित धान 1 कहा जाता है। ज़रई साइंसदानों को इस अमल को मुकम्मल करने में 15 साल लगे। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम की क़ियादत BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह कर रहे थे। टीम के दीगर अरकान में जयासुधा एस, धीरेंद्र कुमार सिंह, आकांक्षा सिंह और IRRI के साइंसदान अरविंद कुमार और विकास कुमार सिंह थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली के जरिए किए गए एक मुताले से पता चला है कि हाइब्रिड तालीम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तिब्बी तालीम में कलीदी किरदार अदा करेगी। COVID-19 वबा के दौरान तिब्बी तालीम में दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए मौसर इक्तसाब के लिए फिजियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट तालीम में स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल ग्रुप डिस्कशन का एक जदीद तरीक़ा अपनाया गया। तलबा ने रिवायती वर्चुअल फॉर्मेट में ग्रुप डिस्कशन के मुकाबले ज़्यादा मौसर फॉर्मेट के तौर पर समझा। प्रिंसिपल तफ्तीशकार डॉक्टर सिमरन कौर ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन में हमारा नया नुक्ते नज़र अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए खसूसी हालात के दौरान वर्चुअल फॉर्मेट में छोटे ग्रुप की तदरीस मशाले राह का काम कर सकती है। ब्रिटिश काउंसिल ने अर्थ स्कॉलरशिप के लिए 2 हिंदुस्तानी स्कॉलर्स का इंतखाब किया है, जिन्हें अब स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटियों में काम करने का मौका मिलेगा। ये मुंतखब स्कॉलर्स कैमिलिया बिस्वास और अजमल रज़ाक हैं। बिस्वास IIT गांधीनगर में ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस में PhD स्कॉलर हैं। वो आबोहवा की हंगामी सूरतहाल और तहफ़ुज़ के अमल को समझने के लिए स्कॉटलैंड के जज़ायर में माहौलियाती सकाफती इर्तिखा का जायज़ा लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड्स एंड आइलैंड्स के साथ मिलकर काम करेंगी। रज़ाक IIT गुवाहाटी के शोबे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के स्कॉलर हैं। वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जियोग्राफिकल एंड अर्थ साइंसेस में काम करेंगे, जहां वो ये दरियाफ्त करेंगे कि केरला के कोचीन के साहिली मुजाफाती इलाके चलनम के धान के खेतों में मौसमी तब्दीलियों ने ज़मींदारों और ज़रई मज़दूरों के दरमियान ताल्लुकात को किस तरह तब्दील किया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम कॉलेजों और शोबेजात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन पर जोर दिया है कि वो अपने क्लासरूम्स और लेबोरेटरीज को तमाम काम के दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रखें। इस फैसले का मकसद वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि कॉलेजों और शोबेजात को 31 मई तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत अपने निसाब में तब्दीली की है। यूपी बोर्ड ने निसाब को तब्दील करके सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। नए निसाब के मुताबिक 9वीं जमात ता 12वीं जमात के निसाब में अब क्रिप्टोकरेंसी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जैसे मौजूदात को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ बोर्ड की जानिब से कंप्यूटर के निसाब में भी तरमीम की गई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2023 के सेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई 2023 के सेशन के लिए बगैर देरैना फीस के दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। जो तलबा रजिस्टर करना चाहते हैं वो इग्नू की सरकारी वेबसाइट पर दरख्वास्त दे सकते हैं। आइए आखिर में फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 37 जवानों को बहादुरी अवार्ड से नवाजा। मरकजी वजारत तालीम ने लॉन्च किया गजायत भी तालीम भी प्रोग्राम। और BHU के साइंसदानों ने चावल की नई किस्म तैयार की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आइंदा बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।